जय हिंद साथियों, एयरफोर्स अग्निवायु म्यूजिशियन इंटेक जनवरी 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अगर आपका भी सपना एयरफोर्स में भर्ती होने का है तो इस वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या कहती है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम, तो आप लोग वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहे, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं वो अनमैरिड होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं वो सबसे पहले अनमैरिड होने चाहिए, या मेल हो या फीमेल हो, उनको अनमैरिड होना जरूरी है। कोई भी मैरिट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर बात करते हैं रैली की, तो रैली की जो डेट होने वाली वो कब से होने वाली है, तो 3 जुलाई 2024 से लेके 12 जुलाई 2024 तक इसकी रैली आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सबसे में आपको पता है म्यूजिशियन के लिए तो म्यूजिशियन ही होना चाहिए। ठीक है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज यानी कौन-कौन से टेस्ट आपको परफॉर्म करने होंगे, यहां पे देखिए, एक तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं तो उसके लिए आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और एक इंग्लिश का टेस्ट होगा जो कि 30 मिनट का होगा, 30 क्वेश्चन। यहां पे रिटन टेस्ट के नाम पे सिर्फ इंग्लिश का ही एक टेस्ट होता है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस आपको पता है, जाहिर सी बात है भैया, डिफेंस है तो फिजिकल फिटनेस मांगेगा ही। टेस्ट 1 टेस्ट 2 एडैप्टेबिलिटी का होगा, टेस्ट 2 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वगैरह सारा कुछ आपको देखने के लिए यहां पे मिलेगा। कहां-कहां से एप्लीकेशन आ सकती है, तो सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के, हर जगह से नोटिफिकेशन ये आप लोग ला सकते हैं, यानी भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों यहां पे? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा दोस्तों यहां पे। ठीक है, ये देखिए कैंडिडेट जो होंगे किस किस बेस पे इनका सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करते हैं किस किस बेस पे इनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी ये लोग अपना एप्लीकेशन फिलअप करेंगे एलिजिबिलिटी करने के बाद, ठीक है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ होगा उसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, जो डेट ऑफ बर्थ होने वाला है दोस्तों यहाँ पे 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो टोटल डेट ऑफ बर्थ होगी वो एज होगी वो 17 साल से 21 साल के बीच में पूरी एज आपको देखने के लिए मिलेगी। मैरिटल स्टेटस में आपको बता चुका हूं, या फिर प्रेगनेंसी का भी स्टेटस है, कोई भी मेल या फीमेल मैरिड नहीं होना चाहिए और कोई भी फीमेल यहां पे प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 10th क्लास जो भी पास है, जो भी 10th क्लास पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, यानी कि एजुकेशन में आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास पास होना चाहिए। और हां, 10th क्लास में जो इंग्लिश है वो कंपलसरी होनी चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, यानी इंग्लिश में आप फेल हो भी गए तो कोई बात नहीं, आप 10th क्लास में पास कर दिए जाएंगे। जैसे कि बिहार, बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बट यहां पे आपको इंग्लिश कंपलसरी देखने के लिए मिलेगी। क्लियर दोस्तों यहां पे? अब देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, मैट्रिकुलेशन में आपको बता चुका हूं, मैट्रिकुलेशन में आपको बता चुका हूं 10। ठीक है, उसके बाद देखिए म्यूजिक एबिलिटी की बात करें, तो जितने भी आपके पास ये यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट में से कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करना आना चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास दो इंस्ट्रूमेंट है, जिनके पास दो, जो दो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते क्या कह रहा है। ठीक है, म्यूजिक का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई म्यूजिक का सर्टिफिकेट है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, म्यूजिक का सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी आपने कोई ट्रेनिंग लिया हो, कोई वोकल कोर्सेज किए हुए हो, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है नोटिफिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हम लोग क्या देखने वाले हैं यहां पे। ठीक है, हाइट की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों यहां पे देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो हाइट होनी चाहिए, ठीक है, हाइट होनी चाहिए और वेट होना चाहिए। देखिए हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होगा, हाइट किसी की छोटी है तो उसका वेट उसके हिसाब से होगा, किसी की हाइट बड़ी है तो उसका वेट उसके हिसाब से होगा। ठीक है, अब देखते हैं पहले वेट की बात कर लेते हैं, वेट क्या कहेगा आपका। ठीक है, वेट देखिए मैं आपको बता चुका हूं हाइट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो चेस्ट होने वाली है वो 77 सेंटीमीटर की होने वाली है, यानी कि 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 0.5 सेंटीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर आप उसको फुला सके। ठीक है, फीमेल की बात करें तो चेस्ट की मेजरमेंट नहीं है यहां पे, यानी चेस्ट आपका कितना होना चाहिए ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन एक्सपेंशन 0.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, आपको सुनने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई डेंटल कैविटी वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका विजुअल यानी जो देखने की जो क्षमता है, ठीक है, वो आपका 6x12 ईच आई और करेक्टेबल 6x6 होनी चाहिए। ये आपकी ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, मैं आपको हाइट के बता चुका हूं, हाइट में कितना होना चाहिए आपके पास, हाइट की अगर मैं बात करूं, हाइट कितना होना चाहिए तो 62.4 मेल होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर
फीमेल होना चाहिए, ये आपका हाइट का क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगले नोटिफिकेशन अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या कहता है, अगले पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, यहाँ की बात कर देखिए। ठीक है, जैसे मैं आपको डेंटल कैविटी वगैरह की बता चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई सर्जरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, जनरल हेल्थ आपकी फिट होनी चाहिए। ठीक है, जनरल हेल्थ फिट होनी चाहिए, ये सब आपको देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं। प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सब आपको पहले से मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ठीक है, जो आप लोग ये ड्रग्स वगैरह कंजप्शन का न्यूज सुनते हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्रग्स वगैरह भी कंज्यूम नहीं करना है आपको, क्योंकि नारकोटिक टैक्स में आप एक बार निकल गए, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले। और ये सारे टैक्स डिफेंस टेस्ट डिफेंस में काफी ज्यादा सख्ती से किए जाते हैं, स्ट्रिक्ट पैटर्न पे किए जाते हैं। ठीक है, बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है, बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। कुछ लोग करवा लेते हैं, ठीक है, इसे बाजुओं में गले पे टैटू करवा लेते हैं, ठीक है, स्टाइल पर्पस के लिए, वो सब आपको यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। दाढ़ी की बात करें, बालों की बात करें, तो सिर्फ सिख कैंडिडेट, जो सिख कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वही दाढ़ी और बाल यहाँ पे रख सकते हैं, बाकियों के दाढ़ी और बाल यहाँ पे अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं और आप स्टाइल में दाढ़ी बढ़ा के जा रहे हैं और बाल बढ़ा के जा रहे हैं तो ये हमारे लिए अलाउड नहीं होगा। सिख का तो इसलिए क्योंकि उनका धर्म है, ठीक है, उनका जो धर्म है पंजाबियों का, उनमें बाल केस और दाढ़ी कंपलसरी है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जो भी कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल आल्सो बी एलिजिबल सब्जेक्ट टू देयर डिस्चार्ज विद नो एडवर्स एंट्रीज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट इतना ज्यादा खास नहीं है, ठीक है, ये जो भी आप लोग डिस्चार्ज होंगे उसके बाद के सारे पैटर्न है, तो बात की बात है। ठीक है, अब देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बात करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग मटेरियल, डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आपको लेके जाना है टेस्ट पे, आपको ये सब कुछ पता, हम नौवीं दसवीं से सब करते जा रहे हैं। ठीक है, आपको वहां पे लेके पहुंचना है सारे सारे चीजें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और सारे पॉइंट्स के बारे में, पे कितना है, ठीक है, आपका अलाउंस वगैरह कितना मिला है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए देखिए अगला पॉइंट आता है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, कि पे और कमीशन आपको कितना मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे जो आपका अलाउंस होने वाला है वो आपका 30,000 हर महीने आपको मिलने वाले हैं, 30,000 हर महीने मिलने वाले, जो कि हर साल बढ़ते चले जाएंगे। पहले साल में आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है, तो अग्निवीर अग्निवायु 4 साल के लिए होता है, ठीक है, 4 साल के लिए होता है, तो यहाँ पे जो पहले साल आपकी सैलरी होगी 30,000 होगी, दूसरे साल होगी वो आपकी 33,000 होगी, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में होगी 40,000। और जब आप रिटायर होके जाते हैं, ठीक है, तो आपके हाथ में जो ओवरऑल जो अमाउंट आने वाला है वो आने वाला है 10.04 लाख, यानी कि तकरीबन 10.5 लाख आप लेके यहां से जाने वाले हो। वो न्यूज में आप लोग सुनते हो ना, ठीक है, अमित शाह कहता तो है, ठीक है, आप इतना पैसा लेके जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो उन पैसों का, वो इन्हीं पैसों की बात कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बाकी पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको हर तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ एक इंश्योरेंस आपको जरूर प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है, एक इंश्योरेंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कंट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये आपको 48 लाख का मिलने वाला है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, सब आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनको चेक किया जाएगा। एक ये तो जाहिर सी बात है, सिलेक्शन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे सर्टिफिकेट्स आपको चेक किए जाएंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी में आपको बता चुका हूं। अब बात कर लेते थोड़ा रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट होता है यहाँ पे। रिटन टेस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट होगा यहाँ पे, और वो भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में आप दिए जाएंगे, और वो इंग्लिश के, कोई मैथ्स, कोई रीजनिंग, कोई जीके नहीं, सिर्फ इंग्लिश का एक टेस्ट होने वाला है, वो भी आपका 30 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए, कोई भी आपका यहाँ पे अटेम्प्ट अगर गलत अटेम्प्ट कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कहते हैं, टेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टेस्ट में क्या कहता है ये। अब देखिए फिजिकल में 1.6 किलोमीटर का रन होगा, ठीक है, यानी कि एक मील जो हम बात करते हैं, एक मील वन माइल की जो बात करते हैं, ठीक है, 1.1 माइल की जो बात करते हैं, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा 7 मिनट और फीमेल कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा 8 मिनट। क्लियर पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, पुशअप्स की बात करते हैं, 10 पुशअप, 10 सिटअप और 10 स्क्वाट्स, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मिलेगा 1 मिनट पुशअप्स के लिए, 1 मिनट
आपका सिटअप्स के लिए और एक मिनट आपको मिलेगा स्क्वाट के लिए, ठीक है। लेकिन यही चीज फीमेल के केस में बदल जाती है, यही चीज आपका फीमेल के केस में बदल जाती है। फीमेल के केस में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये तो मेल का मैं आपको बता रहा था, फीमेल केस में क्या क्या चीजें हैं, सेम चीजें हैं लेकिन फीमेल केस में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। फीमेल केस में 10 सीटअप है, ठीक है, 1 मिनट और 30 सेकंड, जबकि मेल के केस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट था, ठीक है। 15 स्क्वाट से मेल के केस में 20 स्क्वाट से, ठीक है, 15 स्क्वाट से जो कि 1 मिनट में, ठीक है, मारने हैं। ये सारे सारे फिजिकल फिटनेस को नापने के क्राइटेरिया है जो आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपको बता चुके हैं, मेडिकल टेस्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है, इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें और भी कुछ रहती हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं और नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीजें हैं। आई थिंक सब कुछ तो कवर हो गया है। कोविड में ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोविड जा चुका है, ठीक है। और भी अच्छा, ये नहीं, रिफंड वगैरह भी आपको है। चलिए लास्ट पॉइंट है, ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, कि जो रिफंड वगैरह, अगर आपने कई बार दो बार अप्लाई कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने दो बार अप्लाई कर दिया, दो बार आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका रिफंड वाला पॉइंट यहीं पे था अभी, ठीक है। हाँ, ये रहा, देखिए, अगर आपने, देखिए, रिफंड की बात करें, ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल पेमेंट वगैरह कर दिए हैं तो आप यहाँ पे जाके रिफंड मांग सकते हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, भैया हमने दो बार अप्लाई कर दिया, हमने दो बार पेमेंट कर दिया है, तो हमारा एक बार रिफंड कर दो, तो यहाँ पे आपका एक बार रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, बाकी तो कुछ इसमें नहीं है, ठीक है, पब्लिशिंग स्पेशल ये सब हम देखने की जरूरत नहीं है, ये एड्रेस वगैरह है, ठीक है, एड्रेस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। कानपुर में सारे सारे आपके टेस्ट होने वाले हैं, ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे सारे सारे आपको मिल जाने वाले हैं। और भी तो कोई यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं, वेरिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सब कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कोविड 19 के स्ट्रक्चर हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन सारे चीजों की जो पीडीएफ, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, इन सारे की जो पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, CASB@IAF.NIC.IN या फिर CASB@IAF.CDAC.IN, ये दोनों के दोनों वेबसाइट पे आप जाके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर कुछ एक एक चीज डिटेल में जाननी है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो वीडियो देखते हैं उसे चीजें समझ में तो आती हैं, लेकिन हमें बार बार उसे रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पीडीएफ काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी ये फॉर्म फिलअप कर पाए। डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट एंट्री है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो उनको भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखें, जय हिंद।